2022 का सबसे बड़ा क्रिकेट आयोजन शुरू हो चुका है और इसके आसपास की गूंज करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। आज के वीडियो में हम दुनिया के सबसे अमीर खेल आयोजनों में से एक द इंडियन प्रीमियर लीग के 5 रोचक तथ्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक बार 50 ओवर का आईपीएल होने वाला था। जिस तरह केरी पैकर ने 1970 के दशक के अंत और 80 की शुरुआत में 50 ओवर क्रिकेट में क्रांति ला दी, उसी तरह ललित मोदी ने 2000 के दशक के अंत में T20 क्रिकेट के साथ भी ऐसा ही किया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं था कि ललित मोदी के दिमाग में फ्रेंचाइज आधारित क्रिकेट लीग का विचार आया हो। 1990 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हुए मोदी अमेरिकी खेल लीगों द्वारा उत्पन्न भारी राजस्व से अचंभित थे। 1995 में उन्होंने BCCI को 50 ओवर की लीग का विचार भी दिया था। उन्होंने प्रस्तावित लीग के लिए इंडियन क्रिकेट लीग लिमिटेड नाम से पंजीकरण भी कराया था, लेकिन BCCI ने उसे खारिज कर दिया। भारत चीन गतिरोध ने वीवो को आईपीएल से बाहर निकलने के लिए उत्प्रेरित किया। पिछले कुछ सालों में इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल राइट्स को स्पॉन्सर करने के लिए कई कंपनियां शामिल हुई। उदाहरण के लिए DLF, जो 2008 में टाइटल राइट्स जीतने वाली पहली कंपनी थी। DLF की डील 2012 में खत्म हो गई और 2015 तक टाइटल राइट्स पेप्सी ने अपने कब्जे में लिया। फिर वीवो ड्रीम 11 और फिर से वीवो आया। अब हमारे पास टाटा है क्योंकि चीनी मोबाइल निर्माता वीवो ने भारत और चीन के बीच तनाव के बाद अपने अनुबंधों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। विश्व की छठी सबसे बड़ी लीग। दुनिया के छठे सबसे बड़े खेल आयोजन के रूप में माने जाने वाले आईपीएल के अस्तित्व के 14 वर्षों की अवधि के भीतर दर्शकों की संख्या लगभग 30 करोड़ से अधिक हुई है। आईपीएल ने बीसीसीआई की कुल आय में 60% का योगदान दिया है और 2023 से 2027 में अपने अगले मीडिया टेंडर में रेवेन्यू को दुगुना करने की उम्मीद कर रहा है। इसका रेवेन्यू क्रिकेट के वैश्विक रेवेन्यू का 40% है। अभी BCCI 4000 करोड़ रुपए का लाभ कमाता है। आईपीएल का एक प्रतियोगी था। 2007 में आप में से कई लोगों ने इंडियन क्रिकेट लीग या ICL के मैच देखे होंगे। यह लीग 2 सीजन के तुरंत बाद समाप्त हो गई। क्या आप सही कारण जानते हैं कि यह क्यों समाप्त हुई? इसके कई कारण थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह था कि BCCI ने ICL को मान्यता नहीं दी थी। ICL की स्थापना एहसिल ग्रुप के सुभाष चंद्र ने की थी, जो कई प्रयासों के बाद भी अपनी टीवी कंपनी के लिए क्रिकेट के मीडिया राइट्स हासिल न करने से निराश थे। BCCI बोर्ड भी ICL पैनल के कार्यकारी सदस्यों से प्रभावित नहीं था, इसलिए BCCI ने ICL में भाग लेने वाले खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया और खिलाड़ियों द्वारा समर्थित लीग के लिए वेतन बढ़ाया। इससे 2009 में ICL समाप्त हो गई और IPL को भारत का सबसे बड़ा लीग बनने के लिए बढ़ावा दिया। क्या आप IPL टेलीविजन के बदले मोबाइल में देखेंगे? आइए आपको एक तथ्य बताते हैं कि कैसे दर्शकों की संख्या में मौजूदा रुझान बड़े से छोटे पर्दे में क्यों बदल गया है। ग्लांस द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि IPL के 61% दर्शक अपने मोबाइल फोन पर मैच देखते हैं।
आईपीएल एंड द सेकेंड स्क्रीन टाइटल वाली एक रिपोर्ट ने इस बात पर गौर डाला कि मनोरंजन के मूल स्रोत के रूप में मोबाइल फोन के उदय के साथ दर्शकों की संख्या कैसे बदल रही है। हमारी ओर से इतना ही, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।